ट्रेन में यात्रा करने के दौरान हमें बहुत सारे इंडियन रेलवेज़ के ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे कि हमें देखना पड़ता है कि हमारी ट्रेन कहाँ पहुँची है, उसके लिए हम NTEs को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में। अगर हमें रिजर्वेशन करवाना होता है तो हम IRCTC रेल कनेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। अगर हमें जनरल टिकट बुक करना होता है तो हमें UTS टिकटिंग का ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है। या हमें कहीं टूर पैकेजेस बुक करना है, रिटायरिंग रूम, लॉन्ज एक्सेट्रा, इसके लिए हमें IRCTC टूरिज़्म का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे हमारे फ़ोन में काफ़ी स्टोरेज ख़त्म हो जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान है रेल सारथी ऐप, जो कि एक मेगा ऐप है जिसके अंदर आपको सारे ऐप की सुविधाएं एक ही ऐप में मिल जाती हैं, जिससे आपका काफ़ी फ़ोन का स्टोरेज भी बच सकता है। तो आइए जानते हैं हम एक रेल सारथी ऐप के बारे में, जो आपका काफ़ी फ़ोन का डेटा भी सेव कर लेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम रेल सारथी सर्च कर लेंगे। रेल सारथी सर्च करने पर हमें ये फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा, इसी को हमको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका इंस्टॉल कर लेना है। पर इसके साथ ही हमें, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऐप इसी के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, उसका भी हमें कुछ इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। उसके लिए हमें ये जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रीन में लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ आप देखेंगे ये रहा हमारा रेल सारथी ऐप। इसको तो हमें इंस्टॉल करना ही करना है। इसके साथ हमें रेल कनेक्ट फॉर रेल सारथी, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। NTEs फॉर रेल सारथी, इसको भी हमें इंस्टॉल कर लेना है। और नीचे हम जब आएंगे तो एक ये है UTS टिकट बुकिंग फॉर रेल सारथी। ये सभी ऐप को हमको इंस्टॉल कर लेना है, ताकि रेल सारथी ऐप को हमें यूज़ करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम ऐप को ओपन करेंगे। ऐप को ओपन करने पे हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले सेक्शन हमें दिखता है टिकटिंग का। टिकटिंग के लिए हम IRCTC रेल कनेक्ट, जो कि पहला ऑप्शन है, इसके थ्रू हम रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको अनरिजर्व टिकट बुक करना है तो हमें UTS ऐप की मदद लेनी पड़ती है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो IRCTC का ऐप ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं बैक। सेकंड ऑप्शन है UTS टिकट बुकिंग का। इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके पूरा देख सकते हैं कि आपको कैसे टिकट बुक करना रहता है। अब हम आ जाएंगे इंक्वायरी सेक्शन पर। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है रेल दृष्टि का। यहाँ पर आपको IRCTC के किचन्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। रेल दृष्टि के बाद हम देखेंगे ट्रेन रनिंग NTEs ऐप को। यह ऐप हमें ट्रेन संबंधी सभी जानकारियाँ देता है, कि कैसे वो लेट चल रही है, समय पे चल रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी और आदि सभी जानकारी हमें इस ऐप से मिल जाती है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन है, स्पॉट योर ट्रेन,
लाइव स्टेशन, ट्रेन शेड्यूल, ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस, कैंसल ट्रेन, रीशेड्यूल ट्रेन्स, डाइवर्टेड ट्रेन्स, तो आप सभी ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो NTS ऐप का कंप्लीट ट्यूटोरियल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दूंगा। आप इसको अच्छे से देखकर NTS ऐप को चलाना अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम बैक चलते हैं। NTS के बाद में आपके सामने ये तीन ऑप्शन आ जाते हैं। ये तीनों ऑप्शंस indianrailway.gov.in वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट कर देगा, जहां पर आप PNR इंक्वायरी देख सकते हैं, सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और फेयर इंक्वायरी भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम गूगल क्रोम पर ओपन कर लेंगे साइट और मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होते ही हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। इस पर हम यहाँ PNR इंक्वायरी पर क्लिक कर देंगे तो हम अपना PNR इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे PNR नंबर एंटर करने को बोलेगा। यहाँ पर आप PNR नंबर एंटर करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको आपका PNR का स्टेटस शो हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें सीट अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो हम यहाँ सीट अवेलेबिलिटी पर चेक कर देंगे तो हम यहाँ पर अकोमोडेशन देख सकते हैं, यानी कि सीट अवेलेबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर, जर्नी डेट, सोर्स स्टेशन, डेजिग्नेशन स्टेशन, क्लास और कोटा सिलेक्ट कर सिलेक्ट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है। गेट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको दिखा देगा, जैसा कि हमने 22 तारीख का सर्च किया था तो हमें 22 से लेकर 27 यानी 27 तारीख तक हमें पूरा डिटेल शो कर दिया गया है कि कहाँ कौन सी डेट में कितनी सीट अवेलेबल है। सीट अवेलेबिलिटी के बाद हम चलेंगे फेयर इंक्वायरी पर, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है रेल सारथी ऐप में। फेयर इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपसे ट्रेन नंबर पूछेगा, जर्नी की डेट पूछेगा, सोर्स स्टेशन, डेजिग्नेशन स्टेशन, सभी डिटेल्स को आप फिल कर गेट फेयर पर क्लिक कर देंगे तो आपको फेयर शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट फेयर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें बेस फेयर और बाकी सारी डिटेल्स दिखा देता है कि हमें कितना फेयर लगेगा। यहाँ आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। तो अब इसके बाद हम वापस से चलते हैं अपने रेल सारथी ऐप पर। अब हम जानेंगे एफिलेटेड सर्विसेज के बारे में, जिसमें आपको पहला देखने को मिलता है IRCTC एयर टिकट बुकिंग। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड ऑन ट्रैक। यह IRCTC का केटरिंग का ऐप है जिस पर रेलवे पैसेंजर अपना फूड डिलीवरी बुक कर सकते हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए इस पर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं टूर बुकिंग पर। टूर बुकिंग IRCTC टूरिज्म का ऐप है जिसमें हमें लाउंज, रिटायरिंग रूम, टूर पैकेजेस बुकिंग, क्रूज बुकिंग और भी बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। इस पर हमने पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के बारे में अगर मैं सेपरेटली बताने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिटायरिंग रूम बुकिंग।
इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं फीडबैक का, यह है रेल मदद ऐप, जिस पर आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। रेलवे के रिगार्डिंग आपकी कोई भी कंप्लेन हो, आप उस पर दर्ज कर सकते हैं, उसका आपको समाधान जल्द से जल्द मिलेगा, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रेल सारथी ऐप को अच्छे से समझ लिया है। ये एक ही ऐप हमें काफ़ी सारे ऐप की सुविधा प्रदान करता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये रेल सारथी ऐप आप लोगों के फ़ोन में होना ही चाहिए, अगर आप रेल में यात्रा करते हैं तो। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।